मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। आज नागपुर में बहुजन मुक्ति पार्टी का पदाधिकारियों की मीटिंग माननीय अनिल माने के नेतृत्व में हुआ संपन्न। इस मीटिंग में भारी संख्या में पदाधिकारी रहे मौजूद। पार्टी किस रणनीति पर आगे काम करेगी, यह रहा विषय का चर्चा। पंजाब के दीनानगर बीजेपी नेता का होटल बना बलात्कार का अड्डा, जहां एक युवती को महीनों बंदी बनाकर किया जाता रहा बलात्कार। हद तब और ज्यादा बढ़ गई जब दूसरों के आगे आबरू को परोसने के लिए किया जाने लगा मजबूर। पीड़ित महिला ने होटल मालिक और पुलिस पर लगाया आरोप। अशोक कुमार ने उन्होंने मेरी हल तक कोई सुनाई नहीं की, जो मुजरम है वो इदा ही घूमन डे सर, उन्होंने कुछ नहीं। अज भी आज नागपुर में जहां एक बाम से भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का चारों ओर कार्यक्रम चल रहा है, वहीं राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति का भी जोरों शोरों पर हो रहा है आयोजन। नागपुर में नफ का प्रबोधन कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जो सफलतापूर्वक रहा संपन्न। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रभारी माननीय सचिन तोरणे ने की। दिल्ली यूपी के बाद अब बिहार हुआ शर्मसार। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े रात चलती युवती के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर मारपीट पर उतारू, गंदी गंदी गालियों का किया बौछार। मानवता उस समय शर्मसार हो उठी जब लड़की को किया गया अर्धनग्न। राष्ट्रीय मूलवासी महिला संघ का महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जिला अधिवेशन हुआ सफल। इस जिला अधिवेशन में भारी संख्या में महिलाएं रही उपस्थित। राष्ट्रीय मूलवासी महिला संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी कार्यक्रम कर रहा है मुख्य मकसद। बीजेपी सरकार में अन्नदाताओं की बुरी हालत। लालत है ऐसी सरकार पर, जो एक तरफ जय किसान का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों के सीने पर गोलियां भी चला रही है। दिल झकझोर देने वाली इस घटना को देखकर कांप उठेगा रूह। दास्ता मध्य प्रदेश की सिहोरे की है, जहां एक गरीब परिवार ने दो बेटियों से चलवा रहा है हल।